बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है आर्टिकल 1 से ऑनवर्ड। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन हर आर्टिकल को बेर रीडिंग के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट पोर्शन पे। सेकेंड पोर्शन में हम जो डिस्कस करेंगे या सेकेंड जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम आर्टिकल को अपेक्स कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में और कमेंट्री के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बड़ी डिटेल के साथ जो इसका प्रियम्बल है उसको डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हमने बेसिकली आर्टिकल 1 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करना है। तो आर्टिकल 1 जो है वो डिस्कस कर रहा है दी रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। अच्छा जी, अब ये जो टर्म है, दोनों टर्म, इसके पहले मीनिंग को समझते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। रिपब्लिक से क्या मुराद है? रिपब्लिक से मुराद ऐसी फॉर्म ऑफ, इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो है इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, रूलिंग सिस्टम का, कि क्या यानी कि रिपब्लिक है क्या चीज़। रिपब्लिक के पैरेलल जो एक टर्म है वो है मोनार्की, मोनार्क सिस्टम, जिसमें बादशाहत का निज़ाम है कि एक बादशाह मरेगा, उसके बाद जो भी उसके ख़ानदान में सबसे बड़ा होगा उसे बादशाह बना दिया जाएगा। लेकिन रिपब्लिक में क्या चीज़ है? इसमें जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो बेसिकली स्टेट की जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे बेसिक जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक में और जो है वो मोनार्की में। सेकंड जो चीज़ है इसकी टेरिटरीज। अब पाकिस्तान के जो इलाके हैं यानी पाकिस्तान के जो यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनकी बात की गई है कि वो क्या है। पाकिस्तान के हम अगर बात करें कि पाकिस्तान का रकबा कितना है तो वो है 7,96,096 स्क्वेयर किलोमीटर। अब इसमें ईच जो हमारा कह लें कि सूबा है उसकी डिवीजन के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। जो पंजाब है अगर उसकी बात करें तो वो है 205,344 स्क्वेयर किलोमीटर। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है वो है 347,190। सिंध की बात करें तो 140,914 स्क्वेयर किलोमीटर, और अगर हम केपीए की बात करें तो 101,714 स्क्वेयर किलोमीटर। अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो 906 स्क्वेयर किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है 7,96,096 स्क्वेयर किलोमीटर, इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज हैं बेसिकली उनकी बात की गई है। अगर हम इसकी बेयर रीडिंग की तरफ आएं तो पाकिस्तान शैल बी ए फेडरल रिपब्लिक। पाकिस्तान में जो सिस्टम होगा वो पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी एक सेंटर होगा, उसके नीचे प्रोविंसेस होंगे, यूनिट्स होंगे। उनकी बात की गई है कि पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हियर इन आफ्टर रेफर टू एज पाकिस्तान। कि पाकिस्तान जो है इसका नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसको इस आर्टिकल में बाद में पाकिस्तान कहा जाएगा, रेफर टू एज पाकिस्तान। और इसकी टेरिटरीज जो होंगी, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज, वो किन पे मुश्तमिल होंगी? द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, सूबा बलोचिस्तान, द प्रोविंस ऑफ केपीके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। चार सूबे हैं। उन चार सूबों की जो एग्जैक्ट उनका कह लें कि स्क्वेयर किलोमीटर है वो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद है द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है ये भी पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा है, जिसको फेडरल कैपिटल भी कहते हैं। क्लास 2 की 3 है सब क्लास। सच स्टेट एंड टेरिटरीज एज आर मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन आर अदरवाइज। वो स्टेट या वो एरियाज, वो इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा बने थ्रू एक्सेशन, अलहाद के जरिए या किसी भी मोड के जरिए, वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी कहलाएंगे। अब इसकी क्लास 3 है, द मजलिस ए शुरा यानी कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इन टू द फेडरल फेडरेशन न्यू स्टेट एंड एरियाज ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मीनिंग देयर बाय कि जो मजलिस ए शुरा होगी, पार्लियामेंट होगी, वो उन एरियाज को, उन स्टेट को, उन इलाकों पे उस टर्म और कंडीशन में पाकिस्तान का हिस्सा तसव्वुर की करेगी जो उसको मुनासिब लगेंगे। यानी कि जो पार्लियामेंट टर्म और कंडीशन तय करेगी उन टर्म और कंडीशन के मुताबिक कोई भी स्टेट जो है वो थ्रू एक्सेशन या अदरवाइज वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती है। ये था आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 बात करता है
जो हमारा स्टेट रिलीजन है वो क्या होगा। तो बड़ा क्लियर है आर्टिकल 2 इसके बारे में, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम होगा। आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, इस आर्टिकल को 1985 में 8 अमेंडमेंट के जरिए जो है वो ऐड किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेसिकली हमने इसके प्रियम्बल में भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब इसमें बात की गई है सब्सटेंटिव प्रोविजंस की। देखिए दो तरह की प्रोविजंस होती हैं, एक सब्सटेंटिव प्रोविजन होती है, एक प्रोसीजरल प्रोविजन होती है, सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ में बेसिकली जो राइट्स एंड ओब्लिगेशंस होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, उनको डिटरमिन किया जाता है और उनको फिर जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हासिल होती है। ये सब्सटेंटिव प्रोविजंस में बेसिकली दी जाती है। अब इसके पैरेलल एक टर्म है प्रोसीजरल लॉ या प्रोसीजरल टर्म। इन केस वो राइट्स जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस में डिफाइन कर दिए गए हैं उनकी अगर वायलेशन होती है तो उसकी वायलेशन के लिए हम जो रेमेडी अवेल करते हैं थ्रू प्रोसीजर करते हैं और वो तरीकाकार हमें प्रोसीजरल लॉ देता है या प्रोसीजरल जो प्रोविजंस होती हैं वो देती हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन सेट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने फर्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसके जो प्रिंसिपल हैं उनको जो है वो नटशेल भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि जो सोवरेनिटी है ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, और जो पाकिस्तान के लोग होंगे या लोग होंगे वो विद इन लिमिट्स रहते हुए प्रिस्क्राइब लिमिट जो अल्लाह ताला ने बयान की इसको एज अ सीक्रेट ट्रस्ट के तौर पे यूज करेंगे, और जो स्टेट की पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज कौन करेगा, जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होंगे। उसके बाद जो हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल होंगे, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन चीज़ों इन सब प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, जो इस्लाम ने हमें बताए उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके बाद मुसलमान जो हैं वो अपनी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक जो है वो गुजार सकेंगे। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके बाद जो हमारे फेडरेशन में जो हमारे यूनिट्स हैं वो ऑटोनमस होंगे। फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजंस ऐड की गई कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, मूवमेंट है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए उनको मुकम्मल जो है वो इंश्योर किया जाएगा। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी फुली, और हमारी जो माइनॉरिटीज़ के लेजिटिमेट राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। और इन सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अक्वामे आलम में उनका एक खुशहाली का यानी कि अपनी प्रोस्पर्स लाइफ जो है वो गुजार सके और इंटरनेशनल अपना पीस की तरफ अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये बेसिकली प्रोविजंस हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिगार्डिंग हमने बड़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि वो प्रोविजंस, वो प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताए गए हैं जिनको रिप्रोड्यूस किया गया है नेक्स्ट। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो 280 आर्टिकल हैं उनके बाद इसका एक अनेक्स्चर दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की प्रोविजन को एज इट इज बयान किया गया है। उसके बाद हमारे जो 5 स्केड्यूल हैं वो दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है इस आर्टिकल में कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल थे जिनको अनेक्स्चर में भी रिप्रोड्यूस किया गया है उसको सब्सटैंटिव प्रोविजंस के तौर पर इस आर्टिकल, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 3 की बात करें, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन। एलिमिनेशन होता है खात्मा, एक्सप्लाइटेशन होता है इस्तेसाल, यानी किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, इसको ममानत की गई है, इसको ख़त्म किया गया है। जो स्टेट होगी वो बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि जितनी भी किस्म की एक्सप्लाइटेशंस हो रही हैं उनका खात्मा हो और हर किसी को जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी हकूक हैं या बुनियादी असूल हैं उनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा और हर किसी को उसकी एबिलिटी और उसके काम के मुताबिक जो है वो सराहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, किसी किस्म की कोई जो है डिस्क्रिमिनेशंस वो नहीं होगी और स्टेट इस चीज़ को एंश्योर करेगी। वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम ये 2-3 आर्टिकल जो डिस्कस किए हैं यही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 4 रूल ऑफ लॉ भी जिसको कहा गया है वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।